अगर ये पजामा पहन के अगर ये डेट पे जाएगी तो जी चांग वो के साथ उसमें तो क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेट को कोरियन में क्या बोलते हैं? डेट को कोरियन में बोलते हैं डेटिंग। क्या बोलते हैं? डेटिंग। डेटिंग। ओके। काफी कुछ मिलता जुलता है इंग्लिश से, काफी कुछ मिलता जुलता है ये। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो, कहीं डेट पे जाना है या कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ तुम प्लान कर रही हो, कोई ऐसा कोरियन लड़का? अरे बाबा नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि क्या पता इन फ्यूचर कभी किसी कोरियन ने पूछ लिया या मुझे पूछना पड़ा, तो पता तो होना चाहिए ना। बात तो ठीक है। वैसे डेटिंग से याद है, क्या तुम जानती हो ये जो तुम्हारा ट्रू ब्यूटी वाला जो एक्टर है चा यून वू, किसको डेट कर रहा है? किसको डेट कर रहा है यून वू? तुम्हें नहीं पता? नहीं, इतनी बड़ी फैन हो के तुम्हें नहीं पता? हिंट दूं? वो चीजें बहुत ही सीक्रेट रखता है ना इसलिए। कोई लड़की है जब वो हंसती है, गाना गाने लग गई है, घुमड़ घुमड़ घूम घूम। बताओ बताओ। मैं बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। पिछले दिनों हमने आपके सामने ब्लैक पिंक्स रोज एंड एस्ट्रोस चा यून वू के रिलेशनशिप को लेकर काफी सारे खुलासे किए थे। तब तो ये बात आई गई हो गई, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। दोनों के डेटिंग र्यूमर्स ने फिर से लोगों के कान खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया एक बार फिर से लगातार दोनों की फोटोज को प्रमोट कर रहा है। तो हुआ ये कि 4 सितंबर को एक पोस्ट जिसका टाइटल था चा यून वू एंड रोज वेंट टू द सेम प्लेस अगेन वायरल हो गया, और ये इतना वायरल हुआ कि देखते ही देखते इस पोस्ट को 90,000 लोगों ने देख लिया। अब इस पोस्ट में था क्या वो देख लीजिए। ये है रोज की फोटो। बताया जा रहा है कि रोज की ये फोटो एक आर्ट एग्जीबिशन की है। इसके तुरंत बाद एक पोस्ट आई चा यून वू की, जिसमें सेम रोज जैसी पोस्ट शेयर की गई थी जो कि सेम लोकेशन की थी। उसके बाद रोज की एक और फोटो सोशल मीडिया पर आई जिसमें वो किसी स्टोर में बैठी दिखाई दी। ठीक उसी के बाद चा यून वू ने भी एक पोस्ट शेयर किया जो सेम स्टोर का था जहां पर रोज गई थी। बताया गया है कि ये दोनों ही फोटो सेंट लॉरेंट के स्टोर की है। इसी के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि दोनों डेट कर रहे हैं, पर फैंस के डर से एक साथ नहीं दिखते। हालांकि इसके बाद नेटिजंस के मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दोनों एक ही जगह पर स्पॉट किए गए हों। वो बात अलग है कि दोनों साथ में कभी दिखे नहीं, लेकिन तस्वीरों में दिखाई गई लोकेशन से पता चलता है कि हो ना हो दोनों साथ में ही घूम रहे थे, क्योंकि हर बार जगह सेम कैसे हो सकती है? कोइंसिडेंस एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार थोड़ी ना होता है। बाकी सब तो ठीक है, पर ये जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ दिक्कत सारी डेटिंग की है। सेलेब्रिटीज और डेटिंग का कनेक्शन ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। फिर तो मुझे लगता है यून वू मेरे हाथ से निकल गया। ऐसा क्यों समझ रही हो? तुम्हारे पास जीता मूव तो है ना, यून वू का क्या जरूरी है? हाँ, बट सेकंड ऑप्शन हर वक्त होना चाहिए ना, इसलिए। वैसे सेकंड ऑप्शन से मुझे याद आया कि मुझे कई बार लगता है ना कि ये जो तुम्हारी लीजा है ना, ये भी सेकंड ऑप्शन तलाश करिए, क्योंकि अभी देखो अभी जो है वो बिजनेसमैन को डेट कर रही थी, क्या नाम था उसका, फ्रेडरिक एनोल्ड को। अब लेकिन उसने फोटोज जो डाली हैं वो बैंक चैंग की डाली है। ओह, तो मतलब आप बोलना चाह रही हो कि लीजा 2 टाइम कर रही है? ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने देखो उसने डांचांग की फोटोज डाली है, फिर उसने फेलिक्स की फोटोज डाली है, फेलिक्स की भी डाली है, फेलिक्स की भी डाली है, और फिर इसी मुझे लगता है कि ना अगर ऐसे ही कुछ होता तो वो नेशनल प्रेस की फोटो क्यों डालती? फिर तो मुझे लग रहा है ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। चलो दिखाते हैं ये पूरी स्टोरी तुमको भी और इनको भी, और पता लगाते हैं कि आखिर ये लीजा के मन में चल क्या रहा है। ठीक है, ओके। BTS के भी इन दोनों अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग में व्यस्त हैं, लेकिन भाई साहब पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। किम ताहयुंग ने इंस्टाग्राम पर तहलका मचा रखा है।
हुआ ये अचीविंग रिमार्केबल सक्सेस इन ग्लोबल रैंकिंग्स। पॉप कोर की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया जिसमें बताया गया कि वी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने 2024 के 12 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इंस्टाग्राम पोस्ट में 4 मोस्ट इम्प्रेसिव स्पॉट्स को हासिल किया है। इस लिस्ट से पता चलता है कि दुनिया भर के आर्टिस्ट के बीच 12 सबसे पॉपुलर और सबसे लाइक पोस्ट के बीच वी की पोस्ट में से 12 में से 4 स्पॉट्स को हासिल किया है। वी का ये अचीवमेंट इतना बड़ा है कि जस्टिन बीबर और टेलर स्विफ्ट जैसे कलाकार भी उनसे पीछे रह गए। इन लोगों के खाते में अब तक सिर्फ 2 पोस्ट ही हैं जिन्होंने दुनिया भर में मोस्ट लाइक पोस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन वी के पास 4 ऐसी पोस्ट हैं जो मोस्ट लाइक हैं। इस रिमार्केबल लिस्ट में BTS के RM, ब्लैकपिंक की लीजा, सेलिना गोम्स और बिली एलिश का भी नाम शामिल है, लेकिन इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं BTS के भी। जस्टिन बीबर की पोस्ट जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के पैर की फोटो दिखाई, उस पोस्ट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आए। वहीं लव विंस ऑल के बिहाइंड द सीन फोटोज ने 2nd और 5th पोजीशन हासिल की है। इन दोनों ही पोस्ट ने 17.6 मिलियन और 12.8 मिलियन लाइक्स आए हैं। वी के सिलीन और हार्पर बाजार की फोटो ने उन्हें 7th स्पॉट दिया है। वहीं उनकी टाइप 1 पिक्टोरियल बुक सिक्योर्ड 11th पोजीशन। ये देखो मैंने कितनी सारी शॉपिंग की, मैंने इयररिंग्स खरीदी। नहीं, ये वो है नेक पीस। तुम इतना इयररिंग्स करी थी कि मेरे दिमाग में इयररिंग्स चढ़ गया है। मैं इसको भी इयररिंग्स बोल रही हूँ। वैसे यार मैं ये सोच रही थी कि नेशनल क्रश तो वी है और मतलब उसी को होना चाहिए। फिर ये फेलिक्स क्यों? फेलिक्स का क्या सीन है मुझे ये बताओ। फेलिक्स एक्चुअली जब अभी मेट गाला हुआ था ना मई में, तब ये स्ट्रे किड्स की पूरी टीम वहाँ गई थी और फेलिक्स का जो हेयर कलर था और उसका जो हेयर स्टाइल था वो इतना पॉपुलर हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया ने पूरा उसको कवर किया और उसके बाद से ही फेलिक्स जो है नेशनल क्रश बन गया। बट यार अगर फिर भी हम ओवरऑल देखें ना तो वी ही है सारे आर्टिस्ट में से जिसके पोस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के एसोसिएशन में ना। उसके पोस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है, तो मेरे लिए तो वही है नेशनल क्रश भी। हाँ एक्चुअली ये है कि जब ये इंस्टाग्राम पे जब सारी पोस्ट का एनालिसिस किया गया तो उसमें इन लोगों ने क्या किया, एक्चुअली एक नॉर्म बनाया हुआ है कुछ 12 कैटेगरीज का। उन 12 कैटेगरीज में से वी ने 4 कैटेगरीज में क्वालिफाई किया। मुझे पता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये जो हमारी स्टोरी है इसमें पूरा हम आपको दिखाएंगे, तो चलो आप इसको दिखाते हैं। दिखा दो, इससे पहले हमारे कैमरामैन लुढ़क के गिर जाए नीचे जिस हिसाब से पीछे पीछे जा रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं, आप सीधा हो जाओ। लीजा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, कभी अपने नए एल्बम को लेकर तो कभी बॉयफ्रेंड को लेकर। पर इस बार लीजा सुर्खियों में है अपनी नई पोस्ट को लेकर, क्योंकि लीजा ने इस बार पोस्ट कर दी है स्ट्रे किड्स के बैंग चैंग की फोटो। ना, गलत मत समझिए, दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा, बल्कि सच्चाई तो ये है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दो सेम प्रोफेशन के लोग सिर्फ दुश्मन ही नहीं दोस्त भी हो सकते हैं, और यही दोस्ती निभाई ब्लैकपिंक की लीजा ने, जो स्ट्रे किड्स के कॉन्सर्ट से अपने बेस्ट फ्रेंड की सोलो फोटोज खींच कर लाई और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सिर्फ फोटो ही नहीं, उन्होंने बैंग चैंग की इमोशनल स्पीच भी डाली। लीजा और बैंग चैंग आज से नहीं बल्कि सालों से दोस्त हैं। दोनों ही हम उम्र हैं और दोनों ही 97 बॉर्न है। दोनों की क्लोज फ्रेंडशिप के बारे में पता तब चला जब लीजा ने बैंग चैंग को उनके बर्थडे पर 2 महीने बाद गिफ्ट भेजा
और इसके बारे में खुद बैंग चैंग ने सोशल मीडिया पर बताया। सिर्फ बैंग चैंग ही नहीं, लीजा ने स्ट्रे किड्स के दूसरे पॉपुलर स्टार फेलिक्स की परफॉर्मेंस की भी फोटो शेयर की। फेलिक्स की इसलिए क्योंकि फेलिक्स भी उनकी तरह लुई विटॉन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नॉट ओनली दिस, शी ऑल्सो शेयर्ड ए फोटो ऑफ हरसेल्फ विद द मेंबर्स। लीजा की ये पोस्ट काफी है फ्रेडरिक एर्नॉल्ड में जलन पैदा करने के लिए। क्या कहा, कौन फ्रेडरिक? अरे आप फ्रेडरिक को नहीं जानते? अरे बाबा, लीजा का बॉयफ्रेंड। थक गए है ना? चलें क्या, लेट्स गो, बहुत हो गया आज का है ना। चल आज के लिए चलते हैं, क्योंकि अभी अगर हम नहीं जाएंगे तो हम इसकी शॉपिंग नहीं करा पाएंगे। एग्जैक्टली, और मैं तब से वो सिल्वर इयररिंग्स ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मिलेंगे उसके इयररिंग्स, उसके लिए हमें आपसे विदा लेनी पड़ेगी। तो के ड्रामा और के वर्ड से रिलेटेड तो हमारे पास आज इतना इन्फॉर्मेशन था, आपके पास है कुछ नया? कुछ नया तो नहीं है, लेकिन हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, हमें आइडियाज दीजिएगा, प्यारे प्यारे फेसेस को लाइक करना मत भूलना, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी लाइक कीजिएगा, फॉलो करिएगा हमें। आज के लिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक कैसे मिलेंगे? नेक्स्ट वीक ये नहीं है, इसीलिए हमें शॉपिंग करनी है, और इसीलिए हम आपसे आज जल्दी विदा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रियंका मैडम छुट्टी पे जा रही हैं। तो नेक्स्ट वीक आप बस इनसे मिलोगे, ठीक है? चलो बाय। ले लो, तुम देख रहे हो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।